चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R एक रिलेशन आपको परिभाषित इस प्रकार कर दिया है कि जो R है वो न तो स्वतुल्य है, न तो सममित और न ही संक्रामक है। तो जो समुच्चय आपको लेकर चलना है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जिसमें एक रिलेशन परिभाषित किया उसको मैं लिख रहा हूँ। वो रिलेशन क्या देखे लिख रहा हूँ, आर बराबर आपको दे क्या दिया है वो देखिए, आर बराबर आपको दे दिया है, दिया है एक पेयर दिया है ए कॉमा बी, जिनके बीच संबंध है ए लेस देन इज इक्वल बी का स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो दिखाना है कि आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, आर एक संबंध इस प्रकार आपको दिया है कि आर न तो स्वतुल्य है, न तो सममित और न ही संक्रामक है। चलिए जांच करते हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या जांच करेंगे, स्वतुल्य। याद है कैसे जांच करेंगे, स्वतुल्य जो स्वयं के बराबर है उसको स्वतुल्य कहते हैं, स्वतुल्य। ठीक है, तो कैसे, मान लीजिए ए उठाएंगे तो ए पर ही चेक करना पड़ेगा, तो ए कमा ए उठाएंगे तो इसके अनुसार शर्त हो जाएगा ए लेस देन इज इक्वल ए का स्क्वायर। क्या कोई भी वस्तु अपने आप के वर्ग के बराबर होगी, मान लीजिए मैं यहाँ पर 1, मान लिया जाए यहाँ पर कि मान लीजिए मैं 2, 2 उठा लिया, तो यहाँ पर वही उसके अनुसार वही ना होगा 2 लेस देन इज इक्वल 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 लेस देन इज इक्वल 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। क्या 2 4 के बराबर हो सकती है, क्या 2 4 से छोटा होगी, ये तो सही है कि 2 4 से छोटा हो सकती है, लेकिन 2 4 के कभी बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोई भी वस्तु जो है ना अपने आप के वर्ग के बराबर नहीं होती। तो लिख सकते हैं चूंकि ए कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या जांच करते हैं, सममित। तो सममित में कैसे उठाएंगे, मान लीजिए ए कमा बी बिलोंग्स कर रहा है यदि आर से, ठीक है ना, तो इसके अनुसार भाषा बन जाएगा ए जो है ना बी स्क्वायर के बराबर है, तो इसको उलटने के बाद भी ए जो है ना बी स्क्वायर के बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं तो बी कमा ए तो इसके अनुसार शर्त हो जाएगा बी लेस देन इज इक्वल ए का स्क्वायर, बी का मान ए स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर या छोटा हो जाएगा। क्या शर्त सही हो रहा है, यहाँ पर ए था ना बी स्क्वायर के बराबर या उससे छोटा था, लेकिन यहाँ पर बी जो है ना ए स्क्वायर के बराबर या छोटा हो जा रहा है, यहाँ पर दोनों कंडीशन में शर्त बराबर नहीं हो पा रहे। तो लिख देंगे चूंकि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित संबंध नहीं है। अब तीसरा क्या जज करते हैं, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक जज करते हैं। तो संक्रामक जांच करना, उसमें तीन मतलब एलिमेंट्स लेकर चलना पड़ता है। माना कि जो ए बी सी ये बिलोंग्स कर रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, ठीक है ना, इसलिए ए कॉमा बी उठाएंगे तो यहाँ से पेयर बनेगा क्या, उसके अनुसार ए लेस देन इज इक्वल बी स्क्वायर के बराबर। तथा मान लीजिए बी कॉमा सी उठा लिया मैंने, तो उसके अनुसार बी लेस देन इज इक्वल सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके और इससे चलते हैं, मान लीजिए इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लेकर चलते हैं, तो समीकरण 1 से चलिए, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ए लेस देन इज इक्वल बी का स्क्वायर। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ए लेस देन इज इक्वल बी का स्क्वायर या करते हैं ए लेस देन इज इक्वल बी, तो बी का यहाँ से मान क्या, बी किसके बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर के, तो यहाँ पर बी का मान क्या रख देंगे सी, तो बी का मान रखेंगे सी का स्क्वायर, क्योंकि बी का मान सी स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर करना तो बी का मान सी स्क्वायर है, या ए लेस देन इज इक्वल सी स्क्वायर क्या हो जाए सी पर पावर 4। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, ए जो है ना सी स्क्वायर के बराबर होता तो कह देते कि जो है ना ए और सी उसके अंतर्गत आ रही है, लेकिन लिख देंगे चूंकि यहां से ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जा रही है आर, अतः यह क्या है, संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। इस प्रकार आर न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, न ही सममित है और न संक्रामक है, और न संक्रामक है।
तो इस प्रकार मैंने साबित कर दिया क्वेश्चन नंबर टू को, न तो वो स्वतुल्य है, न तो वो सममित है और नहीं संक्रामक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहे हैं, जांच कीजिए कि जो एक समुच्चय दिया है और वो समुच्चय एक रिलेशन पर परिभाषित किया गया है तो आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है, जांच करना आपको। तो समुच्चय को मान लीजिए कि जो समुच्चय दिया उसको लिख दीजिए पहले। समुच्चय क्या दिया आपको, समुच्चय दिया है एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, जिस पे एक रिलेशंस बना दिया है, वो रिलेशंस क्या दिया उसको भी समझिए। वो रिलेशंस है ए कमा बी का एक पेयर बनाना है जिसमें बोल जाए कि बी जो है ना वो ए के ए प्लस वन के बराबर है, ये शर्त है। बात को समझेंगे ध्यान से, एक समुच्चय एक से लेकर छ तक उसमें अवयव दिया है और उस पर एक रिलेशंस बना दिया, वो रिलेशंस कौन सा, ए कमा बी, बी का जो मान है ए प्लस वन के क्या है बराबर है, ओके ये रिलेशंस बनी। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसको जांच करना स्वतुल्य सममित और संक्रामक। तो सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं इसका स्वतुल्य, ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो मान लीजिए ए उठाएंगे तो यही तो उठाना पड़ेगा, या एक काम करते हैं यहाँ से अंक वाले एक रिलेशन बना लेते हैं, अच्छा रहेगा ठीक है ना, इसलिए रिलेशंस बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए का मान उठाते हैं, पहले ए, ए का मान यदि वन उठाएंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा टू, क्योंकि एक कितना हो जाएगा दो। मान लीजिए यदि ए का मान आप दो उठाते हैं तो दो एक कितना हो जाएगा तीन, बी का मान तीन। मान लीजिए आप ए का मान तीन उठाते हैं तो बी का मान कितना हो जाएगा चार। मान लीजिए आप ए का मान चार उठाते हैं तो बी का मान कितना, एक बढ़ जाएंगे पाँच। यदि आप बी का मान पाँच उठाते हैं तो सी का मान कितना हो जाएगा छः, और सी का मान यदि मान लीजिए यहाँ पर सॉरी यदि ए का मान आप यहाँ पर कितना उठाते हैं छः उठाते हैं तो बी का मान कितना हो जाएगा सात। लेकिन ये वाला नहीं उठाएंगे क्योंकि छः का मान जो सात है, सात जो है ना इस समुच्चय के अंतर्गत नहीं आ पाएगी क्योंकि ये जो रिलेशन है इसी समुच्चय पर परिभाषित है। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, ए का मान एक बार वन रख दिया तो बी का मान टू आ गया, ए का मान एक बार टू रख दिया तो बी का मान थ्री आ गया, ए का मान एक बार थ्री रख दिया तो बी का मान फोर आ गया, ए का मान एक बार चार रख दिया तो बी का मान पाँच आ गया, ए का मान मैं फाइव रख दिया तो बी का मान कितना आ गया सिक्स। अब बी ए का मान छः रखते तो बी का मान सात आता लेकिन बी का मान इस पर परिभाषित नहीं हो पाता क्योंकि अधिक से अधिक समुच्चय का अवयव कितना छः तक है। ठीक है, देख रिलेशन मैंने इस पर बना दिया, अब इसको जाँच करना बहुत आसान हो गया। स्वतुल्य पहले जाँच करना, तो कैसे, मान लीजिए वन उठाएंगे तो वन कमा वन, वन उठाएंगे तो वहीं पर चेक करेंगे क्योंकि स्वयं को बराबर करना है। तो वन कॉमा वन क्या इस रिलेशन के अंतर्गत आ रही है, तो नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आता यह क्या है स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा क्या जांच करेंगे, सममित। तो सममित में क्या उठाएंगे, मान लीजिए वन कॉमा टू उठा रहे हैं कि बिलोंग्स कर रहा है ये आर से, करे वन कॉमा टू तो इसको उलटने के बाद भी बिलोंग्स करनी चाहिए, तो 2.1 तो 2.1 के इस रिलेशन के अंतर्गत आ रहा है क्या, नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित नहीं है। ठीक है, अतः यह सममित नहीं है। तो अब जांच क्या करना, तीसरा आपको जांच करना संक्रामक, संक्रामक आपको जांच करना है। तो संक्रामक को तीन अवयव उठाना पड़ेगा, मान लीजिए 1.2 आप बिलोंग्स कर दिए कि आर से बिलोंग्स कर रही है, ठीक है, तथा तो टू से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन बने, टू से 2.3 भी किससे बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये शुरू और अंतिम वाला भी बिलोंग करनी चाहिए, तो 1.3 तो 1.3 क्या इस रिलेशन के अंतर्गत आ रही है, नहीं, ये क्या हो जा रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है। इस प्रकार आर न स्वतुल्य न सममित और न ही संक्रामक है, और न ही संक्रामक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, थ्री सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, चलिए इसको मिटाइए। यहां तक क्वेश्चन नंबर थ्री क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रिलेशन आपको बना दिया,
मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है, उसमें रिलेशंस क्या वो देखिए। वो एक रिलेशन जो कायम किया वो ये है, ए कॉमा बी का एक पेयर है जिसमें बोल रहा है कि ए लेस देन इज इक्वल बी, ए लेस देन इज इक्वल बी। तो इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि आर जो है ना स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये दिखाना है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले यहां पर जांच क्या कर देंगे, स्वतुल्य जांच करेंगे, स्वतुल्य। तो ए कमा स्वतुल्य चेक करना, तो ए कमा ए पर चेक करना पड़ेगा, तो ए कमा ए, तो ए लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा ए। अब कोई भी वस्तु अपने आप का क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि नीचे बराबर का सिंबल है। तो इसका मतलब क्या है, चूंकि ए ए जो बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ए ए बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, अतः यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरा जांच करना है सममित, सममित जांच करना है। तो सममित में ए कमा बी उठाएंगे तो इसके अनुसार ए लेस देन इज इक्वल क्या हो जाएगा बी, तो ये भी होना चाहिए, बी कमा ए भी उलटने के बाद बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, उलटने के बाद। तो यहां पर हो जाएगा बी लेस देन इज इक्वल ए, क्या ये कंडीशन सही हो रही है, इसके लिए एग्जाम्पल उठा रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए, माना कि 1,2 बिलोंग्स कर रहा है किससे, कि 1 लेस देन इज इक्वल 2 हो जा रही है, 1 2 से क्या हो जा रही है, छोटा हो जा रही है, तो इसको उलटने के बाद भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 लेस, मान लीजिए इसको उलटेंगे तो 2,1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 लेस देन इज इक्वल 1, क्या 2 1 से छोटा है, ये कंडीशन से यहाँ बराबर भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, 2 1 से छोटा नहीं है, 2 1 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब चूंकि बी कॉमा ए जो है ना डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। तीसरा चेक करना है संक्रामक, ठीक है। तो यहां पर तीन एलिमेंट्स मानना पड़ेगा, माना कि ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है किससे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, तो ए कमा बी उठाएंगे, इसलिए ए कमा बी तो भाषा बन जाएगा ए लेस देन इज इक्वल बी, तथा बी कॉमा सी उठाएंगे तो भाषा बन जाएगा बी लेस देन इज इक्वल सी। तो इसको समीकरण 1 से, इसको समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 दोनों से चल दीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो ए बराबर है बी के और बी बराबर सी के, तो बी का मान सी है, तो बी के जगह पर सी रख देंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 से ये हो जाएगा ए लेस देन इज इक्वल सी, ए इसके सी के बराबर हो जाएगी और सी से छोटा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सी ए छोटा था, बराबर भी था, यहाँ भी क्या है सी बराबर नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि समीकरण 1 और 2 से चलते हैं तो ए लेस देन इज इक्वल सी सही हो जा रही है, चूंकि ए कॉमा सी जो है ना वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, अतः यह संक्रामक है। तो इस प्रकार आर क्या क्या है, स्वतुल्य और संक्रामक आ गया, आर स्वतुल्य और क्या है, संक्रामक है परंतु सममित नहीं है, परंतु सममित नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, कि जांच कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय दिया है जिसमें रिलेशंस क्या दिया, और यहाँ पर जांच ये करना है कि आर स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है कि नहीं है। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में एक रिलेशन जो परिभाषित किया वो ए कमा बी साइड ए लेस देन इज इक्वल बी का क्यों दिया, ठीक क्वेश्चन नंबर 3 या 2 के जैसा, 2 के जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जांच करते हैं इसको स्वतुल्य, पहले स्वतुल्य जांच करते हैं। तो ए है तो ए पर उठाएंगे ए कमा ए, तो भाषा क्या हो जाएगा ए लेस देन इज इक्वल ए का क्यू, क्या कोई भी वस्तु अपने आप के घन के बराबर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। मान लीजिए 1,2 उठाएंगे तो, मान लीजिए स्वयं पर उठाना है तो 2,2 उठाएंगे तो 2 लेस देन इज इक्वल 2 का क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू 8, 2 8 के बराबर कभी हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि ए कमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। और दूसरा चेक करते हैं सममित, सममित। तो सममित मान लीजिए ए कॉमा बी
बिलोंग्स किया आर से और इसके अनुसार शर्त बन गया ए जो है ना बी के क्यू के बराबर है या छोटा है, तो उलटने के बाद भी यही शर्त होना चाहिए बी कॉमा ए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लेस देन इक्वल ए का क्यू। यहाँ ए का जो मान था बी क्यू के बराबर था, यहाँ पर बी का जो मान है ए क्यू के बराबर जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग शर्त हो जा रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि उलटने के बाद भी सेम होना चाहिए। तो चूंकि बी कॉमा जो ए है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जा रहा है, अतः यह सममित संबंध नहीं है, अतः यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब तीसरा चेक करना है संक्रामक, तो संक्रामक में तीन एलिमेंट्स लेना पड़ेगा। माना कि ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, तो इसलिए यहाँ पर शर्त ए कॉमा बी उठाएंगे, तो भाषा बन जाएगा ए लेस देन इज इक्वल बी का क्यू। ठीक है, तथा बी कॉमा सी उठाएंगे तो भाषा बनेगा बी लेस देन इज इक्वल सी का क्यू। इसको समीकरण वन, इसको समीकरण टू, तो समीकरण वन से चलिए, समीकरण वन से, समीकरण वन क्या ए लेस देन इज इक्वल बी का क्यू, और समीकरण टू से बी का जो मान है वो सी क्यू के बराबर है, बी की जगह पर रख देंगे, ए लेस देन इज इक्वल बी का मान रखेंगे सी क्यू, और इसका दी होल पावर है क्यू, तो ए लेस देन इज इक्वल सी का पावर तीन, तरीके कितना हो जाएगा नौ। यहाँ पर यदि सी का जो मान है पावर तीन के बराबर होता तो बोलते हैं कि ये वाला कंडीशन इसके इस लेसन के अंतर्गत आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ ए कॉमा सी जो है ना ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह जो है ना संक्रामक संबंध नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आर न तो स्वतुल्य नहीं संक्रामक नहीं सममित, पर लिखिए नहीं सममित और नहीं संक्रामक है, और नहीं संक्रामक है। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर आपका फाइव हो गया सॉल्व, इसको देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स, चलिए इसको मिटाइए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दिया है और उसको जांच करना है कि वो तो सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। समुच्चय क्या दिया उसको दिख रहे हैं, देखिए समुच्चय जो दिया उसको लिख रहे हैं, जो समुच्चय है वो दिया एक दो तीन, आज जो इस समुच्चय पर रिलेशंस कायम किया है वो है वन कॉमा टू और दिया टू कॉमा वन। ठीक है, इसको जांच ये करना है कि ये सममित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। ओके चलिए इसको जांच करते हैं हम लोग, इसको स्वतुल्य देखते हैं हम लोग। स्वतुल्य के लिए स्वयं जो अभी उठाएंगे उसी पर चेक करना पड़ेगा, वन कॉमा वन, तो वन कॉमा वन क्या इस लेसन के अंतर्गत आ रही है, नहीं डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर जो है ना स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, और दूसरा चेक करना है सममित, सममित चेक करना है, तो सममित मान लीजिए वन कॉमा टू बिलोंग्स कर रहा है किस से, आर के अंतर्गत, तो उलटने के बाद भी बिलोंग करनी चाहिए, तो टू कॉमा वन, तो टू कॉमा वन इस रिलेशन के अंतर्गत आ रही है तो बिलोंग्स टू आर, अतः यह क्या है सममित है, अतः यह सममित है। ठीक है, अब तीसरा चेक करना है संक्रामक, तो संक्रामक में क्या करेंगे, मान लीजिए वन कॉमा टू बिलोंग्स कर गया किस से, आर से, तथा टू कॉमा वन में बिलोंग्स किससे कर गया आर से, तो शुरू का अंतिम में बिलोंग करनी चाहिए, तो वन कॉमा वन क्या वन कॉमा वन इस लेसन के अंतर्गत आ रही है, नहीं डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आता है यह क्या संक्रामक नहीं है। इस प्रकार आर क्या है सममित है, आर सममित है परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका सिक्स सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर सिक्स था। अब देखी जाए
क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या देगा, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक रिलेशन आपको दिया है और रिलेशन से एक्स कमा वाई तथा एक्स एक्स कमा वाई तो एक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या किया है समान दिया है। देखिए ये जो रिलेशंस कायम किया होती है एक्स कॉमा वाई सच डेट बोल रहा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है समान है। इस रिलेशंस को ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे, जो एक रिलेशंस दिया है वो बोला है कि इसमें एक्स कॉमा वाई एक पेयर है, इसमें क्या समान है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। तो पहले जांच करेंगे इसको स्वतुल्य, क्वेश्चन ये दिया है कि सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। हाँ जी, तुल्यता संबंध की बात आ गई, इसको सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य कैसे चेक करेंगे, तो x उठाएंगे तो x पर ही चेक करना पड़ेगा, x कमा x सज तो यहाँ पर भाषा चलेगा x तथा x में पेजों की संख्या क्या है समान है। तो अब एक बात समझने वाली आ गई कि कोई भी वस्तु मान लीजिए x एक पुस्तक है तो x भी एक पुस्तक है, दोनों सेमी पुस्तक है तो दोनों में पेजों की संख्या क्या हो जाएंगी समान हो जाएंगी। तो इसके अनुसार ये शर्त इस रिलेशन के अंतर्गत आ रही है, तो x कॉमा x बिलोंग्स कर रहा है R से, अतः यह क्या है स्वतुल्य है। ठीक है, अब दूसरा जांच करना सममित। ठीक है, तो सममित में क्या है कि x कॉमा वाई उठा रहे हैं तो उसके अनुसार भाषा ये बन रही है कि x तथा y में पेजों की संख्या क्या है समान है। ठीक है, तो यहां से ये भी तो लिख सकते हैं ना, x तथा y में पेज की संख्या समान है तो y तथा x में भी तो वही होगी ना, उलटने पर y तथा x में पेजों की संख्या क्या है समान है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा y कॉमा x भी बिलोंग्स कर जाएगा किससे, उसी रिलेशन के अंतर्गत, अतः यह क्या है सममित है, अतः यह सममित है। अब तीसरा जांच करना संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक में तीन अवयव लेना पड़ेगा, पहले माना कि जो तीन अवयव x y z बिलोंग्स कर रहा है एक रिलेशन के अंतर्गत बिलोंग किया, तो यहां से x कॉमा y जो बनेगा भाषा तो वहां से बनेगा x तथा y में पेजों की संख्या क्या है समान है, तथा y कॉमा z उठाएंगे अब तो यहां से निकलेगा y तथा z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। अब देखिए x और y में जितना पेज है उतना y z में भी पेज है, तो इसका मतलब x और z में भी पेजों की संख्या क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। तो लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि x और z में भी पेजों की संख्या समान होगी, इसलिए x कॉमा जेड जो है ना वो बिलोंग्स कर जाएगा एक रिलेशंस के अंतर्गत, अतः R एक संक्रामक संबंध है, R एक संक्रामक संबंध है। जब ये तीनों हो गया स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों हो गया तो अंत में लिख देंगे अतः यह कौन सा संबंध है तुल्यता संबंध है। आता है या तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार आपका बन गया कि जो R है वो एक क्या तुल्यता संबंध है, क्योंकि बताया गया था तुल्यता संबंध कब होगा जब वो स्वतुल्य होगा सममित होगा और संक्रामक, जब ये तीनों शर्त पूरा हो जाएगा तो वो रिलेशन जो है ना एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो अभी तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कोई समुच्चय आपको दिया है, समुच्चय का नामकरण करते हैं ए, क्या दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, समुच्चय ए और इस पे एक रिलेशंस है, वो रिलेशंस ए कॉमा बी का पेयर है जिसमें बोल रहा है कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है
वो कौन सी संख्या है? सम संख्या, सम है। तो दिखाना है कि जो आर है ना वो एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद भी इसमें तरह तरह की क्वेश्चन दी गई, उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखी जाए कि जो आर है एक तुल्यता संबंध है। ठीक, समुच्चय दे दिया, एक रिलेशन दे दिया। अब इसको तुल्यता जांच करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है। तो मान लीजिए ए कमा ए उठाएंगे तो इसके अनुसार क्या बनेगा? ए घटाओ ए, अब बराबर जीरो का मोड क्या निकल जाएगा? जीरो। आज जीरो कौन सी संख्या होती है? सम संख्याएं होती है, क्योंकि जीरो में दो से भाग लग सकता है, जीरो सम है। इसका मतलब ए कमा ए इस शर्त के अनुसार आ जा रहा है, तो लिख सकते हैं कि ए कमा ए, चूंकि ए कमा ए बिलोंग्स कर रहा है किस में? आर में। अतः आर एक कौन सा संबंध है? स्वतुल्य है। अब सममित दिखाते हैं, जरा सममित दिखाते हैं, चलते हैं सममित। तो सममित में क्या, मान लीजिए ए कमा बी है, तो इसके अंतर्गत ए माइनस बी कौन सी संख्या हो जा रही है? सम हो जा रही है, सम हो जा रही है। तो यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कमा लेंगे मोड में, इसी में से, तो बी माइनस क्या हो जाएगा? ए। ये कौन सी संख्या? एक सम है। ठीक है, तो मोड में क्या होता है? माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? बी माइनस ए क्या हो जाएगा? सम। तो इसलिए यहाँ से ये भाषा बन जाएगा बी कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है किस से? आर से, क्योंकि बी माइनस ए आ गया, उसको सॉल्व करने पर तो बी कॉमा ए बिलोंग्स कर गया आर से। अतः आर एक कौन सा संबंध हो गया? सममित है। ठीक है, अब तीसरा आपको जांच क्या करना है? संक्रामक। ठीक है, तो इसमें तीन अवयव मान कर चलना पड़ेगा। माना कि ए बी सी समुच्चय ए के अंतर्गत आ रही है अवयव, तो ए कमा बी उठाएंगे तो भाषा हो जाएगा कि ए माइनस बी का मोड जो है ना एक सम संख्या। ठीक है, एक सम है। तथा बी कमा सी उठाएंगे तो उसके अनुसार भाषा बनेगा बी माइनस सी का जो मोड है वो भी कौन सी संख्या है? एक सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सम संख्या है, तो दोनों को जोड़ेंगे, मतलब दो सम संख्या को जोड़ने पर तीसरा आने वाला समान भी क्या होता है? सम संख्या होगा। दो सम संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी बनी संख्या भी सम संख्या होता है। तो लिख सकते हैं इसलिए a माइनस बी का मॉडुलस और प्लस बी माइनस सी का मॉडुलस भी एक क्या हो जाएगा? एक सम संख्या होगा। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस हटा देंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी क्या हो जाएगा? एक समय संख्या होगा, भी एक सम संख्या होगा। या माइनस बी प्लस भी क्या हो जाएगा? कटिस हो जाएगा तो बचेगा ए माइनस सी, तो ए माइनस सी भी कौन सी संख्या होगा? एक सम संख्या ही होगा, एक सम संख्या ही होगा। या इसमें मॉडुलस लगा देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा? एक सम संख्या ही होगा। ए माइनस बी ए माइनस सी का मॉडुलस भी एक कौन सी संख्या होगा? एक सम संख्या होगा। तो ए माइनस सी इसी के अंतर्गत आर जा रही है, तो लिख देंगे इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स किस में कर गया? आर से। अतः आर एक क्या है? संक्रामक संबंध है। अतः आर एक संक्रामक संबंध है। अतः आर क्या? एक संक्रामक संबंध है। इस प्रकार जब R संक्रामक संबंध हो गया तो इस प्रकार R एक कौन सा संबंध हो जाएगा? तुल्यता संबंध है। कहने का मतलब कि जब ये स्वतुल्य होगा, सममित हो गया और संक्रामक हो गया तो कौन सा संबंध हो जाएगा? तुल्यता। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या, मतलब इसमें तीन चार क्वेश्चन दिया, सेकेंड पार्ट भी इसका देख लेते हैं। वो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या उसको देखिए, बोल रहे कोई समुच्चय आपको दे दिया, समुच्चय दिया 135, एक समुच्चय दिया, वो समुच्चय है 135। दिखाना है कि समुच्चय 135 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। तो इनके अवयवों को घटा कर देखिए, क्योंकि पेयर बनाएंगे तो इनके अवयवों को घटा कर देखिए कौन सी संख्या आ रही है। वन को थ्री के साथ घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस टू, जिसका मोड निकालना है सम हो जाएगा। थ्री को वन के साथ घटाएंगे सम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इनके सारे अवयवों को घटाएंगे तो एक सम संख्या आएगी। किसी भी अवयव को किसी के साथ घटाएंगे ना, पेयर बनाकर घटाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी? सम संख्या। तो इसका मतलब है कि इनके सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो वही भाषा लिख देंगे, चूंकि यहां दो संख्याओं का अंतर सम संख्या है,
इसलिए समुच्चय 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से क्या संबंधित है। तो ये सेकंड पार्ट था। इसका थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि समुच्चय 2, 4 जो एक और समुच्चय यहां पर दिया है वो है समुच्चय 2, 4। दिखाना है कि 2, 4 का भी प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो मान लीजिए 2, 4 के साथ पेयर बनाया तो -2 आएगा, घटाएंगे क्योंकि अंतर लेकर चलना है। तो 2 में से 4 घटाएंगे -2, चाहे 4 में से 2 घटाएंगे तो +2। यहाँ पर कैसे भी कर रहे हैं तो क्या बन रही है, सम संख्या बन रही है। इसका मतलब इसका अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो भाषा वही डाल देंगे, चूंकि यहाँ दो संख्याओं का अंतर क्या है, सम संख्या है, इसलिए 2, 4 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट भी है, देखते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। वो क्या है, देखिए फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि जो समुच्चय 1, 2, 3 और समुच्चय 2, 4 है, इनका कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। मान लीजिए इनका पेयर बना रहे हैं तो 1 का 2 के साथ घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, चाहे 2 का 1 के साथ घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, चाहे 3 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे तो 3, 2 कितना 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि समुच्चय ए और समुच्चय 2 का जब पेयर बनाएंगे, समुच्चय ए और समुच्चय मतलब समुच्चय ये वाला और इस समुच्चय दोनों का जब पेयर बनाएंगे तो एक सम संख्या आएगी, भले विषम संख्या आएगी। देखिए बनाकर, मान लीजिए 1 का 2 के साथ बना लिए, 1 का 4 के साथ बना लिए, तो 1, 2 उठाने का मतलब 1 घटाओ 2 विषम आ रही है, 1 घटाओ 4 क्या हो रही है, विषम आ रही है। तो इनका अंतर देखी जाए तो विषम संख्या आ रही है, जबकि स्टार्टिंग में बोला था कि उनका अंतर क्या चाहिए, सम संख्या आ रही है। इसका मतलब है कि 1, 3, 5 और 2, 4 के कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो लिख सकते हैं, भाषा ऐसे लिखना है, समुच्चय 1, 3, 5 और समुच्चय 2, 4 के युग्मों का अंतर, मतलब पेयर बनाएंगे युग्मों का अंतर एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब यह है कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, 8 क्लियर हो गया। इसमें थोड़ा सा क्या करना था, माइंड लगाना था। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना, विदा करिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।